जेन्युइनली अगर बात करी जाए इस साल के मोस्ट एक्साइटिंग लॉन्चेस के बारे में, तो जाहिर सी बात है XUV 700 का नाम जो है वो टॉप 3 में तो जरूर ही आएगा। अगर बात करी जाए इसके लॉन्च की, तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अक्टूबर मंथ के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोवेज, मेरा नाम है हर्षित और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ XUV 700 के बारे में। हालांकि ऑलमोस्ट सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके रिलेटेड बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन कुछ नए स्पाई शॉट आए थे जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो XUV 700 आने वाली है अक्टूबर में, वो बेस होगी मोनोकॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस होने की वजह से आपको बता दूं कि लेंथ और विड्थ दोनों ही तरीके से ये बड़ी होने वाली है प्रेजेंट जनरेशन XUV 700 के मुकाबले। इंजन वाइज अगर बात करी जाए तो आपको पेट्रोल डीजल दोनों ही मिलेंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन होने वाला है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो भी मिलेगा आपको। देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगर इंजन्स की बात करी जाए, तो जो आपको नई जनरेशन थार के अंदर इंजन्स मिल रहे हैं वही इंजन्स यहाँ पे भी मिल सकते हैं। हालांकि हो सकता है ट्यूनिंग कुछ और तरीके से करी जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वही दोनों इंजन्स 2.0 लीटर की कैपेसिटी का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर की कैपेसिटी का एमहॉक डीजल इंजन मिल सकता है इसमें। अब अगर और कुछ बातें करी जाए XUV 700 से रिलेटेड, तो सबसे पहले डिज़ाइन वाइज अगर बात करी जाए तो आपको जो महिंद्रा XUV 300 में ड्रॉप डाउन LED DRLs देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट जे शेप के, वैसे ही कुछ आपको 700 के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। और आई होप कि आप लोगों ने अब तक स्पाई शॉट्स के अंदर देख भी लिए होंगे वो किस तरीके के दिखेंगे। रेडिएटर ग्रिल जो है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होगी, जाहिर सी बात है आपको डायमेंशंस बड़े मिल रहे हैं तो इसकी ग्रिल जो है वो भी बड़ी होने वाली है। और इसके अंदर आपको 7 स्लेट वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और लुक्स की अगर बात करी जाए, तो चारों ही साइड से आपको जो XUV 700 है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेगी XUV 500 के साथ। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 700 होने वाली है वो 500 के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होने वाली है। और एक फीचर जिसके बारे में आजकल XUV 700 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है इसके फ्लश डोर हैंडल्स। तो जो नए फ्लश डोर हैंडल्स होने वाले हैं, ये भी आपको एक नया सा रिफ्रेशिंग सा एहसास कराएंगे 700 में। इसके अलावा आपको जेनरस अमाउंट ऑफ बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल जाएगा, कंप्लीटली रीडिजाइंड रियर टेल लैंप्स और बम्पर देखने को मिल जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके इंटीरियर्स की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इसके इंटीरियर में घुसते ही देखने को मिलेगा 2 स्क्रीन्स वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास लगता है और मर्सिडीज के अंदर आपको देखने को मिलता है वो नॉर्मली। इंटीरियर की अगर क्वालिटी की बात करी जाए, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर इसको आप कंपेयर करेंगे 500 के मुकाबले। इसके अलावा जो सेगमेंट में सबसे पहला फीचर आपको XUV 700 के अंदर मिलेगा, वो होने वाला है ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मानी जाती है सेफ्टी के लिहाज से अगर बात करी जाए किसी भी गाड़ी में। अब ADASA के अंदर आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, पैरेलल पार्क असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, और इसके अलावा कई ढेर सारे फीचर्स और भी मिलेंगे आपको। सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका लॉन्च जो है वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ के अंदर। इसके अलावा प्राइस की बात करी जाए, तो ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपए के बीच में इसको स्टार्ट किया जाएगा, और टॉप स्पेक वेरिएंट ऑलमोस्ट जा सकता है 21 से 22 लाख रुपए के आसपास। सो गाइस, दिस वाज अ क्विक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ नए स्पाई शॉट्स शेयर किए XUV 700 के। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल बताई XUV 700 के बारे में। आपको कैसी लग रही है XUV 700, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।